आपको इस वीडियो में मैं जो भी बातें बताऊंगा सारे के सारे एकदम जेन्युइन होगी, और ये वीडियो में जो भी चैनल बताऊंगा जो भी चीज़ें बताऊंगा ये सारे में से कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं होगा, और सारा का सारा मेरा खुद का ओपिनियन है। मैंने यूज़ किया पर्सनली और मेरे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला, तब मैं आपको एज अ फ्रेंड और एज अ बिग ब्रदर मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, तो कोई स्पॉन्सरशिप टाइप का मत मानना इस वीडियो को। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट थिंग, एसी वर्मा सर की बुक वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 में आती है, जो कि फर्स्ट वॉल्यूम जो है वो 11th के लिए एंड वॉल्यूम 2 जो है वो 12th के लिए है। तो आपको वॉल्यूम 1 में 11th के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे एज पर एनसीईआरटी इंडेक्स, तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो मैं आपको फर्स्ट बताता हूँ, जैसे मैं फर्स्ट चैप्टर काइनेमेटिक्स से आपका एक एग्जाम्पल देता हूँ कि कैसे अटेम्प्ट करना है इस बुक को बेस्ट वे से। तो देखो इस वीडियो को, एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल में सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे देख सकते हो रेस्ट एंड मोशन, जो काफ़ी अच्छा चैप्टर है, एंड ये 11th का स्टार्टिंग चैप्टर आप बोल सकते हो बेसिक मैथ्स के बाद। तो कैसे अटेम्प्ट करना है वो मैं बताता हूँ। इस बुक को करने से पहले आपको जितने भी कॉन्सेप्ट है सारे के सारे अच्छे से आने चाहिए, जितने भी बेसिक चीज़ें फॉर्मूलाज ये सारे के सारे चीज़ें आने चाहिए। वो कैसे करना है वो मैं बेस्ट चैनल बताऊँ अभी यूट्यूब पे या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो बेस्ट है वो मैं मोहित त्यागी सर का बोलूँगा। तो मोहित त्यागी आप चैनल सर्च कर सकते हो, उसमें अमित बिरजानिया सर फिजिक्स फैकल्टी है, तो उनके वीडियोज़ आप देख सकते हो पर डे, एंड आप अपना शेड्यूल बना सकते हो जैसे आप करना चाहो। तो या अगर आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में अच्छे हो तो वहाँ पे टीचर्स अच्छे होंगे ऑफकोर्स, तो वहाँ से भी आप कर सकते हो। तो आपको टॉपिक वाइज पहले लेक्चर्स देखने हैं या जो भी क्लासेस करते हो तो क्लास करने हैं, फिर आपको इस बुक की थ्योरी के ऊपर उतना ध्यान देने के लिए मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि आपको लेक्चर के नोट्स सफिशियंट होंगे अगर आप अच्छी कोचिंग में हो या अमित बिरजानिया सर से स्टडी कर रहे हो। तो उसके बाद आपको डायरेक्ट क्या करना है कि आपको इसके एग्जाम्पल्स कुछ कुछ दिए गए हैं, जो कि एग्जाम्पल्स इसे काफ़ी मतलब एवरेज लेवल के हैं, ज़्यादा टफ एग्जाम्पल्स नहीं है पहले। तो आपको शुरुआती तौर पर एग्जाम्पल्स है, आपको लेक्चर देखना है, फिर इसके एग्जाम्पल खुद से ट्राई करने हैं, एंड ज़्यादातर एग्जाम्पल्स तो क्लास इलस्ट्रेशन में ही एसी वर्मा सर के चाहे कहीं भी पढ़ रहे हो फिजिक्स वहाँ पे कराए जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इसी बुक से अभी जेई मेंस में तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये बुक आपके लिए सफिशियंट है, इसके बाद प्रीवियस ईयर लगा लेना मेंस का वो लगा लेना, ताकि आपका कॉन्फिडेंस और बूस्टअप हो जाएगा एंड कॉन्फिडेंस और बना रहेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टेप लेक्चर्स देखने हैं मोहित त्यागी सर के चैनल से, क्योंकि वो बेस्ट है अभी। एंड नेक्स्ट क्या करना है, तो वो आपके इसके एग्जांपल्स करने हैं, इसके थ्योरी पे जंप नहीं करना क्योंकि वो उतना ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए नहीं होगा। फिर क्या करना है कि जो इसका जो बेस्ट चीज़ है वो इसका एक्सरसाइजेज लगा मुझे, क्योंकि इसमें काफ़ी ग्रेजुअल लेवल से स्टार्टिंग है। आप चाहो तो एग्जांपल इसके स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि क्लास रजिस्ट्रेशन में जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स होंगे इस बुक के सारे सर आपके जो भी टीचर हैं, या अगर मोहित त्यागी सर के चैनल की बात करूँ तो उन्होंने कवर करा दिए हैं, तो वहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आंसर, ये क्वेश्चंस फॉर आंसर, ये आपके पास टाइम है आप 11th में हो तो ऑफकोर्स इसे करो, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 ये सारे करो अगर आप 11th में हो तो, एंड अगर आप 12th में हो एंड वन ईयर में आप 11th एंड 12th दोनों कंप्लीट करना चाहते हो या आप ड्रॉपर हो, तो फिर मैं ये सब सजेस्ट नहीं करूँगा। मैं आपको बोलूँगा डायरेक्ट आप एक्सरसाइज पर भी जंप कर सकते हो, वीडियो लेक्चर्स को नोट्स रिवाइज करके, वीडियो लेक्चर्स देखो फिर नोट्स रिवाइज करो देन एक्सरसाइजेज पर जंप करो। इस एक्सरसाइजेज में काफ़ी ईजी क्वेश्चन से स्टार्टिंग है, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन, बट ये इजी क्वेश्चन, इसका मतलब ये नहीं कि इससे आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। आपको जो 2-3-4 क्वेश्चंस, ये ऐसे इंडिविजुअल जो क्वेश्चंस ये स्टार्टिंग के एलिमेंट्री क्वेश्चंस हैं, इससे भी आपको सीखने का थोड़ा बहुत मिल सकता है अगर आपने स्टडी अच्छे से नहीं किया, तो ये भी काफ़ी कुछ आपको सिखा देगा। तो आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, एंड रिपीटेटिव क्वेश्चन इसमें है 2-3 क्वेश्चन से, शुरुआती क्वेश्चन जो है वो रिपीटेटिव इसमें काफ़ी ज़्यादा है, बट आपको कोई ना प्रैक्टिस हो जाएगा। तो आप इसके मेंस की सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो सिर्फ इस बुक पे रिलाई कर सकते हो, ये सफिशियंट है। एंड अगर आप एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए मैं बोलूँगा पीजी फिजिक्स गैलेक्सी सर का आप एडवांस इलस्ट्रेशन बुक परचेज कर सकते हो, उससे आपका एडवांस का फिजिक्स काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। तो आप मेंस की प्रिपरेशन करो, यहाँ पे इसका थ्योरी करना, फिर इसके बाद इसके एक्सरसाइजेज है वो कर लेना। उसके बाद एक्सरसाइजेज में क्या करना है कि जो चैप्टर जो क्वेश्चंस आपको मतलब नहीं बन रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि टेस्ट सॉल्यूशन या वीडियो सॉल्यूशन यूट्यूब पे इसके फ्री तो अवेलेबल है तो वो देख लिया, तो ऐसे करने से कुछ नहीं सीखोगे, फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि अगर आप खुद से नहीं बनाते हो, सॉल्यूशन देख के करते हो, तो आप थोड़े दिन बाद ही उस सॉल्यूशन को भूल जाओगे, आपके माइंड में नहीं रहेगा। जैसे ही 10-12 चैप्टर्स कंप्लीट होंगे फिर आप वो क्वेश्चन जो टफ है वो भूल जाओगे, तो आपको सॉल्यूशन इमीडिएटली नहीं देखना है, आपको ट्राई करना है। जैसे मैंने 5th क्वेश्चन बनाया, 6th क्वेश्चन बनाया, मुझे इसमें डाउट आया मान लीजिए, तो इस डाउट को मुझे टेक्स्ट सॉल्यूशन देखकर इसे फुलफिल मतलब डाउट का आंसर नहीं जानना है, मुझे आगे बढ़ना चाहिए एंड देन कुछ क्वेश्चंस करना चाहिए, देन लास्ट में जो जो क्वेश्चंस नहीं बने सारे को सर्कल मार्क कर लो और उसको रीअटेम्प्ट करो लास्ट में, ताकि आपका जो प्रैक्टिस है वो आप फिर से जज कर पाओ कि आपका
कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक या थोड़े मोरे कंसेप्ट उल्टा तो आपने नहीं लगा दिया था या गड़बड़ तो नहीं कर दिया था, तो इसलिए सॉल्यूशंस पे इमीडिएटली जंप नहीं करना। फिर आप पूरा ट्राई कर लो 2-3 बार, तब आप सॉल्यूशंस पे जंप करो। एंड टेक्स्ट सॉल्यूशंस के इजीली अवेलेबल है, पीडीएफ एंड वीडियो सॉल्यूशंस भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो आप देख सकते हो इस बुक का देख सकते हो। एंड जैसे जैसे ग्रेजुअली आप बढ़ोगे इस बुक में, सबसे बेस्ट चीज़ है कि ग्रेजुअली इसका लेवल अप हुआ है। जैसे 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन एक लेवल के, फिर थोड़े एकदम ईजी, फिर उसका थोड़ा सा मीडियम, फिर थोड़ा सा मीडियम, फिर थोड़ा सा टफर साइड पे, ऐसे ही करते हैं। एंड इसके जो लास्ट के क्वेश्चन है वो मतलब काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, और इसके क्वेश्चंस आपके जितने भी मॉड्यूल्स होंगे जैसे रेपुटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के सारे के मॉड्यूल्स में इसके क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही, क्योंकि इसके क्वेश्चंस सारे मॉड्यूल में, क्योंकि इसके काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। एंड जो लास्ट के क्वेश्चंस वो एडवांस टाइप भी बोल सकते हो, अच्छे क्वेश्चंस हैं। एंड इसके आंसर की गिवन है लास्ट में, तो यहाँ से आप आंसर मैचिंग कर सकते हो। एंड इस बुक को आप फॉलो कर सकते हो, ये बेस्ट बुक है जेईई मेंस के लिए, और इस बुक को आप सबसे पहले पूरा करने की कोशिश करना। एंड ये बुक काफ़ी कम टाइम में भी आपसे हो जाएगा, और इस बुक के बाद आप जेईई मेंस की प्रीवियस ईयर या जेईई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके प्रीवियस ईयर जरूर लगा लेना, और तो आपका काफ़ी अच्छा कंप्लीट हो जाएगा और काफ़ी अच्छा रैंक आएगा, और ये फिजिक्स के लिए काफ़ी अच्छी बुक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय। और मुझे पता है कि मैंने इसमें कोई नई चीज़ या कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं बता दी है, मैंने बेसिक चीज़ें ही बताई है। एंड आपको भी ये ध्यान रखना है कि आईटी जेईई क्रैक करना चाहते हो तो कोई उसमें बहुत ही फंडू चीज़, बहुत ही बड़ा चीज़ नहीं जानना है आपको, आपको बेसिक चीज़ ही जानना है, बट उसे डेली बेसिस पे अप्लाई करना है, कंसिस्टेंटली आपको उसको अप्लाई करना है, तभी आप अच्छे से आप जेईई क्रैक कर पाओगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय।